हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको, जैसे कि हमारे पास 2 मीटर का फैब्रिक होता है, उसके साथ हम ज़्यादातर लेंथ तो 37-38 के आसपास बना सकते हैं, पर आज मैं आपको 2 मीटर फैब्रिक में 43-44 के आसपास लेंथ बनाना बताऊंगी। इससे बहुत ही सुंदर डिज़ाइनर शर्ट तैयार हो जाती है हमारी। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रिंट दिखाएंगे आपको, फ्लावर वाला प्रिंट है। इसमें पहले रुख देखना होगा फ्लावर का कि मुंह इसके किस तरफ है, ऊपर की तरफ है, इसलिए हमें लेंथ नीचे से लेते हुए ऊपर की ओर ले जानी है। सबसे पहले हम विथ ले लेंगे कि कितनी चाहिए हमें। हमारी हिप 20 है, 20 यानी 10 ले लेंगे हम फोल्ड करते हुए, और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे सीम अलाउंस के लिए। इसके लिए सबसे पहले हम फ्लावर का सेंटर लेंगे। फ्लावर का सेंटर हमें लेना होगा, जिस फ्लावर के सेंटर से हमारी विथ तैयार होती है, उस फ्लावर का सेंटर लेते हुए हम कपड़े को डबल फोल्ड कर लेंगे। कपड़ा हमने फ्लावर का सेंटर करते हुए डबल फोल्ड कर लिया है। अब हम लेंथ का निशान लगाएंगे 45, और शोल्डर अप हम ले लेंगे 7.5 इंच, क्योंकि हम बैंड नेक तैयार करेंगे। सबसे पहले हम बैक हिस्से की कटिंग कर रहे हैं, क्योंकि बैक हिस्सा हमारा लेंथ लंबा होना चाहिए, इसमें कोई जोर नहीं आएगा, बिल्कुल सीधा होगा। अब हम आर्म होल का निशान लगाएंगे 8 इंच पर। निशान लगाते एक बॉक्स तैयार कर लेंगे, और कॉर्नर से 1.5 इंच निशान देते हुए शेप बना देंगे राउंड, और कट कर लेंगे इसे। नेक का निशान हम 3 इंच पर लगाते हुए शोल्डर से 1/2 इंच डाउन करते हुए 3 इंच की तरफ जाना है हमने, और इसकी भी तिरछी कटिंग कर देंगे शोल्डर की। ये वीडियो में शूट नहीं हो पाया है, सॉरी इसके लिए। अब जो बचा हुआ कपड़ा था, उसको भी हमने फ्लावर का सेंटर करते हुए डबल फोल्ड कर लिया है, जिसकी लेंथ 36 इंच है। अब इसकी लेंथ जितनी कम है, 45 इंच होने में 9 इंच कपड़ा कम है इसमें, और 1 इंच सीम अलाउंस के लिए जो जोड़ आएंगे ऊपर की साइड, उसके लिए अब हमें 10 इंच कपड़ा इसमें ज्वाइन करना होगा। जो साइड वाला कपड़ा है, इसके 10 इंच के 2 पीस कट कर लेंगे हम, और सेंटर में सिलाई नहीं लगाएंगे दोनों पीसेस के, क्योंकि हमने बैंड नेक बनाना है, बाद में हमें पट्टी कट करनी होगी, इसलिए खुले पीस ही रहने देंगे। और इसे जो नीचे वाला हिस्सा है, उसको खोलते हुए सेंटर में निशान दे देंगे। टेन इंच के पीस तो जो हमने कट किए हैं, सेंटर निशान से टच करते हुए सिलाई लगा लेंगे, और बाद में सीधा करते हुए उसके ऊपर की तरफ लेस लगा देंगे। और जो आगे की वीडियो थी, वो डिलीट हो गई है उसकी क्लिप। अगर आप इस वीडियो को पूरी ध्यान से आगे हो देखना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपके साथ ये वीडियो को दोबारा फिर से पूरी तरह शेयर कर सकूँ। और इस तरह हमारा नेक तैयार होगा, ये बनके अब हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह तैयार हुआ है। लेस लग गई है, और पट्टी पर हमने 3 बटन लगा दिए हैं फैंसी, और बैंड लगा दिया है, वी प्लेकेट बनाया हमने बैंड का। स्लीव्स पर भी हमने थोड़ा सा कट लगाते हुए 4 इंच का लेस लगा दी है। ये स्लीव्स भी बहुत प्यारी लगती है। अगर आपके पास कपड़ा कम हो, तो आगे जोड़ अटैच करते हुए इस तरह की बाजू तैयार कर सकते हैं, और बहुत ही सुंदर लगती है बाजू पहने हुए। ये सारी वीडियो मैंने बनाई थी स्टिचिंग तक, पर बच्चे के हाथ में फ़ोन आने की वजह से ये सारी वीडियो डिलीट हो गई, इसके लिए मैं सॉरी करती हूँ आपसे। अगर आप बाजू और नेक को दोबारा देखना चाहते हो, तो मैं दोबारा किसी और फालतू कपड़े पर इस वीडियो को दोबारा तैयार करूँगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आप देखना चाहते हो तो।